गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे इतिहास में दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, इन शासकों में मैंने आप लोगों को पढ़ाया कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिस के बारे में और रजिया सुल्तान के बारे में आप लोगों को मैंने पढ़ाया। रजिया सुल्तान की अगर हम लोग बात करें तो रजिया सुल्तान पहली महिला मुस्लिम शासिका थी हिंदुस्तान की। इससे पहले अपने हिंदुस्तान में कोई भी महिला और शासक नहीं बनी। इसलिए इस रजिया सुल्तान का और दिल्ली की जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने और विरोध किया, क्योंकि इन एक पुरुषों के समान अपना एक राजदरबार लगाना शुरू कर दिया था और वास्तव में इसमें योग्यता भी थी शासन करने की। लगभग 1236 ईस्वी में वह शासक बनी। अपने पिता की मृत्यु के बाद में, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में, और 3 वर्ष और 7.5 महीने, लगभग 3.5 वर्ष तक इन्होंने शासन किया और 1240 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद में अपना जो दिल्ली का जो समय है, कोई शासक दबाता रहा, कोई शासक इधर आता गया, कोई शासक उसको गद्दी पर बैठता गया, यानी लगभग हम लोग अगर बात करेंगे तो 25 साल का जो टाइम है उसका यूं ही निकल गया। इसके बाद में 1265 ईस्वी में, क्या 1265 ईस्वी में, और दिल्ली का सुल्तान बना बलबन। कौन बना? बलबन बना। बलबन को, बलबन जो ही शासक बना तो बलबन के बारे में ऐसा बताया जाता है कि बलबन अपने साम्राज्य का लगातार विस्तार किया और प्रजा हितैषी शासक था बलबन। कैसे था प्रजा हितैषी शासक? इन्होंने बलबन इल्तुतमिश ने जो चहलगानी नियुक्त की थी, इसका यह एक सदस्य था। चहलगानी, चहलगानी का मतलब क्या होता है? 40 अमीर दासों का एक समूह है, तो बलबन उनका एक सदस्य था। बलबन ने अपने साम्राज्य की बढ़ोतरी करने के लिए दीवाने आरीज नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? दीवाने आरीज। अब देखिए बेटा, दीवाने आरीज क्या होता है? दीवाने आरीज का मतलब होता है कि मंगोलों के आक्रमण के भय से बचने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग बनाया, उसका नाम उस सल्तनत काल में क्या निकाला गया? दीवाने आरीज। क्या निकाला गया? दीवाने आरीज। यानी उस टाइम में बात यह थी कि भारत देश साधन संपन्न देश था और हर एक कोई व्यक्ति और अपने भारत देश के ऊपर आक्रमण करना चाहता था, इसलिए बलबन ने दीवाने आरीज नियुक्त किया। दीवाने आरीज का मतलब होता है मंगोलों के आक्रमण के भय से बचने के लिए, अर्थात बलबन ने प्रजा की रक्षा करने के लिए, जनता की रक्षा करने के लिए एक सैन्य विभाग बनाया, उसका नाम इन्होंने क्या निकाला सल्तनत काल में? दीवाने आरीज। क्या नाम निकाला गया? दीवाने आरीज। बलबन ने साम्राज्य का लगातार विस्तार कर लिया और साम्राज्य का लगातार विस्तार करने के बाद में इन्होंने अपना एक पहला देखो कानून बनाया। क्या कानून बनाया? बलबन का राजत्व सिद्धांत। देखिए, बलबन का शासन करने का तरीका, प्रत्येक एक राजा हुआ करता था, उस राजा में एक खूबी होती थी, तो देखिए इसकी क्या उसमें कानून और नियम था। बलबन का राजत्व सिद्धांत। देखिए बेटा क्या होता है, बलबन का राजत्व सिद्धांत उस टाइम में क्या था? बलबन ने क्या कहा कि ये राजा, देखिए प्रजा हितैषी शासक ऐसे नहीं बनता है, इसको अपना पूरा जीवन लगाना पड़ता है और हमेशा के लिए अपनी, मतलब प्रजा की, अपनी जनता के लिए तैयार रहना प्रजा हितैषी शासक कहलाता है। बलबन का राजत्व सिद्धांत। राजत्व सिद्धांत शब्द का मतलब क्या होता है?
राजत्व सिद्धांत का मतलब होता है, बलबन ने कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है और ईश्वर द्वारा दिए गए प्रत्येक गुणों से वह युक्त है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो राजा है, बलबन कह रहा है कि जो राजा है और ये राजा जब जनता की रक्षा कर रहा है, जनता का जब नेतृत्व कर रहा है, तो भगवान ने उसको बहुत बड़ी शक्ति दी है। क्या दी है? भगवान ने इस राजा को बहुत बड़ी ताकत दी है, बहुत बड़ी शक्ति दी है। इसलिए इसको क्या बताया है? बलबन का राजत्व सिद्धांत। कई बार देखो ये प्रश्न आता है कि बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था, कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है और भगवान द्वारा दिए गए गुणों से वह युक्त है। अर्थात उसमें वह योग्यता पाई जाती है राजा में कि वह जनता की और रक्षा कर सकता है। दूसरा पॉइंट देखिए इसका, बलबन का क्या नियम बनाया बलबन ने, बलबन की लोहे और रक्त की नीति। देखिए लोहे व रक्त की नीति, ये देखो क्या नियम था बलबन का। इससे जो भाई जो आक्रमणकारी थी, मंगोल जैसे आक्रमणकारी जो भाई जो जनता थी, इससे बहुत ज़्यादा डर गए थे कि भारत देश पर हर कोई व्यक्ति और आक्रमण नहीं कर सकता था। लोहे और रक्त की नीति का मतलब ये था, बलबन ने अपने साम्राज्य में एक नियम बना दिया, एक कानून बना दिया, शत्रु सेना के लिए, दुश्मन सेना के लिए क्या नियम बनाया कि पुरुषों को तो युद्ध के दौरान मार दिया जाता था। क्या बनाया कि जो शत्रु सेना में जो पुरुष युद्ध किया करते थे उनको बलबन की सेना के द्वारा मार दिया जाता था, और जो उसकी महिलाएं और जो बच्चे होते थे इनको गुलाम बना लिया जाता था। इसलिए देखो क्या बनाया है, बलबन की लोहे और रक्त की नीति। कई बार देखो ये प्रश्न आता है, बहुत बार प्रश्न आता है कि बलबन की लोहे और रक्त की नीति क्या थी। तो बलबन की लोहे और रक्त की नीति थी, शत्रु सेना में सामने वाली जो शत्रु सेना, दुश्मन की जो सेना, इसमें पुरुषों को मार दिया जाता था और महिलाओं को क्या बना लिया जाता था, महिलाएं और उसके बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था। इसके बाद में बलबन ने और ज़्यादा काम क्या किया जनता के लिए, जिसको इसका जनता का प्रिय शासक कहा जाता है, गुलाम वंश का हम लोग उसको अंतिम शासक कह सकते हैं या अंतिम सुल्तान जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो बलबन ने जनता के लिए देखो क्या किया, चोरों चार नियम लागू कर दिए इन्होंने। क्या? गुप्तचर प्रणाली का गठन किया। दूसरा नियम इन्होंने लागू किया कि चोरों और डाकुओं का दमन कर दिया, दिल्ली को मद्य निषेध घोषित कर दिया। मद्य निषेध का मतलब ये होता है कि दिल्ली के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मांस और मदिरा का सेवन नहीं करेगा। अगर जनता के किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, जनता के किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो जनता मेरे से डायरेक्ट मिलेगी, सीधी मिलेगी। दूसरी बात, इन्होंने यानी जो साधन संपन्न जो राजा हुआ करते थे, ताकतवर जो राजा हुआ करते थे, अगर जनता का किसी भी प्रकार से वो लोग अगर शोषण किया करते थे, तो बलबन ने और उसको सीधा बोल दिया, अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो वो मेरे से डायरेक्ट मिल सकता है। ऐसा आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसको भारतीय इतिहास में न्यायप्रिय शासक कहा जाता है। किसके बताओ आप लोग? मुगल काल में जहांगीर एक ऐसा शासक था जिसको भारतीय इतिहास में न्यायप्रिय शासक कहा जाता है, क्योंकि अपने दरवाजे के बाहर, अपने महल के बाहर, और इन्होंने एक जंजीर लटकवा दी थी जिसको क्या बोला जाता था, न्याय की जंजीर बोला जाता था। उसी प्रकार से बलबन भी और अपने कानून और नियमों के अनुसार और जनता की इन्होंने रक्षा की, इसलिए बलबन को भारतीय इतिहास में प्रजाहितैषी शासक बोला जाता है। अब देखिए बेटा, गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसको हम लोग कह सकते हैं वह क्यूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स। क्यूमर्स का और वध कर दिया गया किसके द्वारा? 1290 ईस्वी में। सन याद है? भूल गए आप लोग?
1290 ईस्वी में क्यूमर्स का वध कर दिया गया, किसके द्वारा किया गया? फिरोज जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, या इसको बोलते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी इसको बोलते हैं। 1290 ईस्वी में इसका वध कर देता है और वध करने के तुरंत बाद में और अपने साम्राज्य की बढ़ोतरी करना शुरू कर देता है और उसी टाइम में गुलाम वंश का तो अंत हो जाता है और शुरुआत किसकी होती है? खिलजी वंश की शुरुआत होती है। ये क्लास, ये चीजें, खिलजी वंश जिसको हम लोग कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद। जय भारत।